उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा में बीएसएनएल कर्मचारियों की लापरवाही से शहर में जलापूर्ति ठप हो गई है, जिससे आवाम को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खटीमा जल निगम के जेई ने कहा कि बीएसएनएल विभाग सड़कों पर केबल बिछाने के लिए खुदाई कर रही है, जिससे कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई। हालांकि जल निगम के कर्मचारी शहर में पानी की व्यवस्था को सही करने का काम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, साथ ही आम जनता को पानी की किल्लत से बचाने के लिए टैंकर के जरिए भी पानी भिजवाया जा रहा है। रात लगभग 8:30 बजे इन्होंने बिना बताए आरडब्ल्यूडी की जेसीबी से बीएसएनएल के कर्मचारियों द्वारा प्रदान कार्य कराया गया है, जिससे शहर की जो मेन सप्लाई वाटर सप्लाई पाइपलाइन है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। पूरे नगरवासियों का जो पेयजल व्यवस्था है वो बंद हो चुकी है। आज हम टैंकर से पानी बंटवा रहे हैं और मेरी एक अपील है सभी विभागों से जो इस एनएचओ पर काम कर रहे हैं कि कृपया कार्य करने से पहले सूचित कर दिया जाए ताकि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त ना हो और जो खटीमा वासी हैं वो पेयजल से वंचित ना रहें। पेयजल आपूर्ति ठप होने से जनता परेशान है। बीएसएनएल की तरफ से खुदाई का काम चल रहा है, जिसकी वजह से अब ग्रामीण वहां के स्थानीय लोग परेशान हैं। कई जगहों पर जलापूर्ति ठप हो गई है, जिससे लोगों को पानी के लिए तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। जलापूर्ति ठप हो चुकी है, बीएसएनएल कर्मचारियों ने खुदाई की है, तो वहीं आरोप लगाया गया है ग्रामीणों की तरफ से कि कई जगहों पर इसकी वजह से पेयजल सप्लाई प्रभावित हुई है। हालांकि नगर निगम की बात की जाए तो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एच एन अग्रवाल जुड़ गए हैं खटीमा से फोन लाइन पर। एच एन अग्रवाल, कई जगहों पर पेयजल सप्लाई प्रभावित हुई है, क्या कुछ अब यहाँ पर तैयारी की जा रही है जिससे लोगों को पानी की समस्या से जूझना ना पड़े? जी, आपको बता दूं कि खटीमा में इस टाइम कई जगह ये खुदाई का काम चल रहा है, उसी को लेकर यहाँ पर बीएसएनएल की तार भी कई जगह से उखाड़ दी गई थी, जिससे कि बीएसएनएल की कई कई जगह लाइन डैमेज हो गई थी। तो उसी को लेकर जब बीएसएनएल वाले उसकी मरम्मत कर रहे थे, तो वहाँ पर उनके मरम्मत के द्वारा जेबीसी की मशीन के द्वारा कई जगह से पानी की लाइन कट गई थी, उससे उसी को लेकर यहाँ पर पेयजल व्यवस्था काफी प्रभावित हो गई है और लोगों को भारी पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर जब जी साहब से बात हुई तो उनका कहना था कि ये बीएसएनएल की लापरवाही से हुआ है और जिसको हम जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएनएल की तरफ से क्या कहा जा रहा है उनके कर्मचारियों की तरफ से? जी, बीएसएनएल से जब बात की गई तो उनका कहना था कि हमारी कई जगह जो लाइन लाइन जा रही है, कई लाइन जा रही है उसको कई क्योंकि कई जो सिस्टम जो जो हाईवे हाई के तरफ से दोनों तरफ से जो फुटपाथ है, फुटपाथ बन रहा है उसको वो कई बार उखाड़ दिया गया, ठेकेदार को उखाड़ दिया गया, उसके दौरान लाइनें को डैमेज कर दिया गया है। हम उनका सिर्फ मरम्मत का काम कर रहे हैं और हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं की जा रही है। लेकिन स्थानीय लोग तो पानी के लिए परेशान हो रहे हैं ना? जी, निश्चित रूप से माना, क्योंकि खमियाजा हमेशा गरीब आदमी को भुगतना पड़ता है, इसीलिए आम आदमी ज्यादा प्रभावित हुआ है और आम आदमी को ही लापरवाही किसी की भी हो, गलती किसी की भी हो, जल्दी से जल्दी यदि ये कार्य पूरा नहीं किया जाता तो लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जन अग्रवाल। पेयजल सप्लाई बाधित हो गई है।